ब्रेड ऑमलेट वाला। एक गांव में रमेश और सुरेश नाम के दो युवक रहते थे, वे पड़ोसी थे। रमेश की माँ घर पर ही ब्रेड बनाती थी। रमेश उन्हें साइकिल में ले जाकर किराने की दुकान पर बेचता था। सुरेश का परिवार अपने घर पर ही 20-30 मुर्गियों को पालते थे। उन मुर्गियों के अंडे को सुरेश साइकिल में ले जाकर दुकानों को बेचता था। सुरेश और रमेश की आपस में बनती नहीं थी। बचपन में वे दोनों बहुत जिगरी दोस्त थे, लेकिन बीच में कोई अनबन होने के कारण जानी दुश्मन बन गए। सुरेश साइकिल पर अंडे ले जा रहा था कि रमेश पीछे से आकर अपनी साइकिल से उसे टक्कर मारा। सुरेश साइकिल से नीचे गिरा और सारे अंडे टूट गए। उसका बदला सुरेश ने रमेश के घर में ब्रेड चुरा कर किया। वो उन ब्रेड मुर्गियों को खिलाने लगा। इससे उन दोनों को बहुत नुकसान हुआ। एक बार रमेश के पिताजी बहुत बीमार पड़े। उसकी माँ ने रमेश से कहा, बेटा डॉक्टर ने कहा था ना, एक साल तक अगर ये महंगे दवाई हम पिताजी को ना दे तो वे बचेंगे नहीं। हमारे कमाई अपने खाने के लिए ही पर्याप्त नहीं, लगता है अब उनको जीवित रखना मुश्किल है, कहकर रमेश की माँ रोने लगी। रमेश समझ नहीं पाया कि क्या करे। पड़ोस में सुरेश की पिताजी सुरेश से, बेटा तुम्हारी बहन अब शादी के लायक हो गई है, अब रिश्ते ढूंढना शुरू करना होगा। तुम तो जानते ही हो ना कि शादी के लिए कितना खर्च होता है। हमारे इस अंडे के धंधे में वो मुमकिन नहीं है। अब तुम कोई और नौकरी ढूंढ लो, मैं जाकर अंडे बेच आता हूँ। सुरेश दुखी होकर चौपाल पर जाकर बैठा, बहन की शादी के बारे में सोचने लगा। रमेश भी चिंतित होकर सुरेश के पास जा बैठा। तभी उनका एक दोस्त आकर, अरे तुम जानते हो ना कि अपने गांव में जो रेलवे स्टेशन था अब उसे जंक्शन बना दिया है। अब से बहुत सारे ट्रेन आएंगी, इसीलिए स्टेशन पर फूड स्टॉल्स का लाइसेंस भी बढ़ा दिया है। ब्रेड ऑमलेट बनाने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा। तुम दोनों में से कोई इसे कर सकता है ना, अच्छा मुनाफा होगा। रमेश और सुरेश एक दूसरे को देखने लगे। अरे बचपन में हम दोनों जिगरी दोस्त थे, एक दूसरे के बिना हम नहीं रह सकते थे। हाँ, हमारी दोस्ती से जलकर कुछ लोगों ने हमारे बीच में मनमुटाव पैदा कर दिया। ये बात मेरे दिल में जगा कर गई, पर हम दोनों ने ही इस द्वेष को बढ़ने दिया, इसीलिए हम मिल नहीं पाए। पर देखा, आज ऊपर वाले ने हम दोनों को कैसे मिला दिया है। कुछ दिनों बाद दोनों ने रेलवे स्टेशन में ब्रेड ऑमलेट का दुकान खोला। रमेश ब्रेड ऑमलेट बनाता था, और सुरेश ट्रेन में जाकर, ब्रेड ऑमलेट गर्मा गर्म ब्रेड ऑमलेट, ताजा ताजा ब्रेड ऑमलेट, कहकर आवाज देकर बेचता था। क्योंकि ब्रेड और अंडे उनके घर से ही आते थे तो उनका मुनाफा भी बढ़िया होता था। एक साल बाद रमेश के पिताजी बिल्कुल ठीक हो गए। और सुरेश ने अपनी बहन की शादी भी की। साथ रहेंगे तो सुखी रहेंगे वाली बात सच साबित हुई। कोई भी काम अकेले नहीं कर सकते, लोगों को साथ नहीं जोड़ेंगे तो जीत हासिल करना मुश्किल है, समझे। कुछ समय पहले कमानघाट नाम का एक छोटा सा कस्बा था। वो एक सूखा प्रांत था, इसीलिए उस इलाके के आसपास के नदी नाले तालाब सब सूख गए थे। इस कारण उस कस्बे के लोगों को ताजी मछलियां खाने का सौभाग्य नहीं था। कभी कभार कुछ लोग बर्फ के डिब्बे में मछली लेकर आते थे। कोई घर पर मछली पकाता तो उसकी सुगंध पूरे गली भर में फैल जाता था। उस गांव में जोगी नाम का एक व्यक्ति रहता था।
उसकी पत्नी और एक बेटा था। वो हमेशा सोचता था कि वो खुद कोई धंधा करे और किसी के पास नौकरी ना करे। वो बहुत दिन सोचता रहा कि क्या धंधा करे। फिर काफी मांग को देखकर उसने ये फैसला किया कि वो एक मछली की दुकान खोलेगा। वो हर दिन बड़े दूर से एक ऑटो ट्रॉली में बर्फ के बक्से में मछली लाकर वहां बेचता था। गांव के लोग खुश होकर उसे मछली खरीदकर खाते थे। इससे जोगी का धंधा अच्छा चल रहा था। धीरे धीरे उसे बुरी लत की आदत होने लगी। जो कमाता था तुरंत गवाता था। एक दिन दुकान पर, क्या किस्मत है, मेहनत कर उतनी दूर से मछली लाकर बेचता हूँ तो मेरे खर्चे के लिए भी पैसे पूरे नहीं हो रहे हैं। ऐसे नहीं, कुछ नया सोचकर ज्यादा पैसा कमाना होगा, ऐसा उसने सोचा। अगले दिन पास वाले गांव के एक गंदे नाले के पास गया। वहां मछली पकड़ने लगा। उन पकड़े हुए मछलियों को बर्फ के बक्से में रखा। उन्हें अपने दुकान पर आकर बेचने लगा। उस गांव के लोगों को मछली की ज्यादा जानकारी ना होने के कारण वो मासूम होकर खरीद कर ले जाते थे। जोगी इस तरह हर रोज उस गंदे नाले की मछली को पकड़ता और बेचता था। उससे उसे बहुत लाभ मिलने लगा। उस गांव के लोग धीरे धीरे बीमार होने लगे। उस गांव के डॉक्टर ने देखा कि फूड पॉइजनिंग के केसेस बढ़ रहे थे और अस्पताल में दवाई कम था, तो असहाय होकर सिर पकड़कर बैठ गए। एक दिन जोगी के घर में उसकी पत्नी, बेटा हर रोज मछली पकाने का जिद कर रहा है, कई बार कहने के बावजूद आप दुकान से मछली क्यों नहीं लाते? मैं नहीं जानती थी कि आप इतने कंजूस हो। जोगी, कंजूसी नहीं, हमें अपने दुकान की वस्तु का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये धंधे का असूल है, कहकर बच जाता था। एक दिन जोगी का बेटा दुकान पर आया और माँ ने आज हर हाल में मछली घर लाने को कहा है, चाहो तो पैसे देगी, ऐसा कहा है। जोगी बोला, ना नहीं, चाहो तो मैं पैसे देता हूँ, मटन की दुकान पर जाकर अच्छे मटन का कीमा घर ले जाओ, कहकर पैसे देने के लिए मुड़ा। इतने में उसके बेटे ने दो मछली लिया और थैली में डाल लिया। जोगी से पैसे लेकर घर चला गया। उस शाम को अस्पताल से खबर मिलने पर जोगी दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। डॉक्टर, तुम्हारी पत्नी और बेटे ने तुम्हारी दुकान की मछली को पकाकर डटकर खाया, उनको फूड पॉइजनिंग हुआ है, बहुत महंगी दवाइयां देने होंगे, कम से कम 50,000 का खर्चा होगा। अब समझा कि गांव के लोगों को फूड पॉइजनिंग क्यों हो रहा है। अब भी सुधरते हो या पुलिस से कहूं तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए? जोगी, जब मुझ पर बनाया तब मैं समझा कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। अब जिंदगी में कभी लालच में आकर धंधा नहीं करूंगा, मुझे माफ करें। उस दिन से जोगी चाहे जितनी भी दूर क्यों ना हो, ताजी और अच्छी मछलियां पकड़कर बर्फ के बक्से में लाकर बेचता था। गांव के लोग भी खुशी खुशी ले जाकर पकाकर खाते थे। जोगी अपनी दुकान की मछली घर भी ले आता था। तो बच्चों, लालच का अंत दुख ही होता है। इसी तरह गलती जानकर सुधार करना एक अच्छा गुण है, समझे?